প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। এবারে যে খবরটির দিকে নজর রাখবো, দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকের পর রাজ্যে ফিরে আসলেন তিপ্রামাথা দলের নেতৃত্ব তথা তিপ্রামাথা দলের প্রধান মুখ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ। আজকে বিমানবন্দরে তিনি আসেন এবং এর আগে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ বৈঠক করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে। তাছাড়া উত্তর পূর্বের একাধিক জনজাতি নেতৃত্বরা এই বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন, সেখানে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণও একজন ছিলেন। আজকেই তিনি দিল্লি থেকে আগরতলায় ফিরে আসেন এবং আগরতলায় ফিরে আসার পর উনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে গোটা বিষয় নিয়ে জানিয়েছেন। এই মুহূর্তে আপনাদের আরও একবার জানিয়ে রাখছি যে বড় খবরের দিকে নজর রাখছি। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর রাজ্যে ফিরে আসলেন তিপ্রামাথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ। তিনি কি জানিয়েছেন বৈঠকে কি নিয়ে আলোচনা হয়েছে অমিত শাহের সঙ্গে একর্ডের পর, অর্থাৎ তিপ্রামাথা রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল তারপর এটা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণের অমিত শাহের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। এই সাক্ষাৎ বা এই বৈঠকের কি কি আলোচনা হয়েছে, তিপ্রামাথা দলের যে সমস্ত দাবি দেওয়া রয়েছে, আলাদা রাজ্য নিয়ে তাদের যে দাবি দেওয়া রয়েছে সেগুলো নিয়ে কতটা বৈঠকে আলোচনা হয়েছে, তা নিয়ে কি বলেছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ আজকে বিমানবন্দরের বাইরে, আমরা শুনব। 125th amendment to the Indian constitution in the six scheduled areas pure northeast mein all the councils aur hamare Amit Shah ji ke sath meeting hua और हमने उनको बताया है कि काउंसिल्स नीड टू बी स्ट्रेंथन, फाइनेंशियल पावर्स नीड टू कम, अटोनमी नीड्स टू कम। तो ये सब बात में हमारी चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई और उन्होंने कहा है कि वो एक 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे अंडर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो उनके साथ अटैच्ड है अभी, और बाय द 25th ऑफ अगस्त उसका पूरा निर्णय लेंगे। वो ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं है, ये सब 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए है, क्योंकि जब कानून पास होता तो सबके लिए एक ही तरीके से कानून पास होता है। नॉर्थ ईस्ट का 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का ऑल द टेन काउंसिल्स इनिशिएट मैंने किया था विद प्रमोद बोरो और होम मिनिस्टर का सोच। उन्होंने और एक चीज़ कहा है कि अग्रीमेंट्स किसी के साथ भी हो, बीजेपी की सरकार के साथ हो या कांग्रेस की सरकार के साथ हो, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और वो सब जो अग्रीमेंट्स हुआ है उसको वो ऑनर करेंगे। उन्होंने ये बात भी सिर्फ हमें नहीं सबको कहा। आपका दौर में मेरा और एक बात है, वो तिपरासा अकॉर्ड के लिए 2 नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर लिया है, विजय रांखल और मैं, और उसका जो बात है वो पैरेलली चल रहा है और आप आने वाले थोड़े दिन में उसका भी रिजल्ट देखेंगे। लेकिन डायरेक्ट फंडिंग जो ADC में सिर्फ हमारा नहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट का था, उसमें ये 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर आने के बाद थोड़ा सा रिलीफ आएगा। हमारा कमेटी बन गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमेटी भी बन गया है वो तिपरासा अकॉर्ड के लिए। हमारी कमेटी में विजय रांखल और मैं हूँ, त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट से 2 रिप्रेजेंटेटिव है और होम मिनिस्ट्री से 2 रिप्रेजेंटेटिव। बात शुरू हो गया, बात अब शायद उन लोग बुलाएंगे अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर, हम लोग जाएंगे, वी आर गोइंग टू टॉक। हम लोग अपने लोगों के लिए बात करेंगे, कुछ बदलता नहीं है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं कर रहे, और हमारा काम है अपने लोगों को उनका अधिकार देना और वो हम और विजय रांखोल कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे उसमें। कुछ दिन पहले आपका जो तिपरामाथा का जो प्रेसिडेंट है उन लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया जो आपका जो पार्टी का 2 मिनिस्टर है आदमी वो अभी इसमें मैं बात नहीं करूँगा। ये आप देखिए मिक्स मत कीजिए, मैं पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, मिनिस्टर गवर्नमेंट में है, वो बात आप मंत्री से ही पूछिए, लेकिन मैं अभी इसमें कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरा काम है अपने गरीब तिपरासा को, हमारे राज्य को, बंगालीज हो, जो भी ADCs में रहे, मणिपुरीज हो, मुस्लिम्स हो, उनको कुछ देना, मेरा वो काम है, वो मैं करूँगा और अच्छे तरीके से करूँगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने बहुत बार बात किया है, हमारे जो ग्रुप्स हैं जो बांग्लादेश में हैं उनको भी एक अच्छा ज़िंदगी चाहिए, उनका भी कुछ डिमांड है, उनको भी लाने के लिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में उन्नति हो, डेवलपमेंट हो और सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब हमारे गरीब तिपरासा लोग
गरीब बंगालीज लोग, गरीब मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सबका उन्नति हो, बस मैं वही करना चाहता हूँ। थैंक यू। 125th अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द सिक्स शेड्यूल एरियाज, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऑल द काउंसिल्स, और हमारे अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुआ और हमने उनको बताया है कि काउंसिल्स नीड टू बी स्ट्रेंथन, फाइनेंशियल पावर्स नीड टू कम, अटोनमी नीड्स टू कम। तो ये सब बात में हमारी चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई, और उन्होंने कहा है कि वो 1-3 मेंबर कमेटी बनाएंगे अंडर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो उनके साथ अटैच्ड है अभी, और बाय द 25th ऑफ अगस्त उसका पूरा। বর্মনের বক্তব্য আগরতলায় আসার পর উনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, নর্থ ইস্টের যে কাউন্সিল বৈঠকে উনি অংশ নিয়েছিলেন সেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও ছিলেন, এর পাশাপাশি ত্রিপুরা অ্যাকর্ড নিয়েও তিনি কিন্তু কথা বলেছেন অমিত শাহের সঙ্গে। এই বিষয়ে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে বলেই কিন্তু তিনি জানিয়েছেন, এবং যে কমিটি গঠন করা হয়েছে সেই কমিটিতে দুজন থাকবেন, একজন হচ্ছেন ত্রিপুরা মাথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন এবং বিজয় কুমার রাংখল, তাদের দুজনকে নিয়ে কিন্তু এই কমিটি করা হবে, এবং এই ত্রিপুরা একর্ড সম্পর্কিত যা যা তথ্য বা সম্পর্কিত বিষয় রয়েছে তাদের সঙ্গে কিন্তু গৃহ বা মন্ত্রক যেটা রয়েছে দেশের সেই গৃহমন্ত্রক তারা আলোচনা করবেন। আজকে বৈঠকের পর রাজ্যে এসে কিন্তু এমনটাই জানিয়েছেন ত্রিপুরা মাথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন। এখন সময় ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে।